कोरोना काल में रुकी पढ़ाई तो 22,000 से ज्यादा बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगे ये गुरु, दवा भी बांटी। इनके इस नेक काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। गुजरात में कोरोना काल में स्कूल, ट्यूशन सेंटर आदि बंद होने से बहुत से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। कोरोना वायरस ने यहां लाखों लोगों को संक्रमित किया है और 10,000 से ज्यादा जिंदगियां लील ली। वहीं ऐसे में महामारी का असर आर्थिक रूप से भी लोगों पर काफी पड़ा। हजारों लोगों के काम धंधे एवं रोजी रोटी का जरिया छिन गया। जिन देहाती इलाकों में बच्चों के नजदीक स्कूल नहीं थे, वो शैक्षिक रूप से और ज्यादा पिछड़ गए। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें उनकी पढ़ाई को लेकर हुआ, जिनकी पढ़ाई रुक गई। इस समस्या को सूरत के बारडोली स्थित दिवाली बेन उका भाई पटेल ट्रस्ट ने गंभीरता से लिया। ट्रस्ट ने एक पहल शुरू की दक्षिण गुजरात में बच्चों को पढ़ाने की। इसके लिए 476 स्कूल के 5वीं कक्षा तक के बच्चों का सर्वे किया। उसके बाद शिक्षा को मजबूती व उसमें सुधार के लिए ट्रस्ट ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम शुरू किया। ये प्रेरक पहल इतना बड़ा बदलाव ले आई जैसा वॉलंटियर्स ने सोचा भी न होगा। हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे मिले जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था कराई गई। दूर दराज से गांवों से हॉस्पिटल की दूरी ज्यादा होती है और इसीलिए ये कोरोना काल में लोगों के लिए बड़ी समस्या रही। वहीं अभिभावकों पर स्कूलों के बंद होने का भी असर पड़ा। जिन गरीब बच्चों का पेट स्कूल के मिड डे मील से भरता और उनकी पढ़ाई भी होती थी, वो कोरोना काल ने छीन लिया। लिहाजा हमने लोगों को रोग मुक्त रखने के लिए हेल्थ किट तैयार करवा कर 600 से ज्यादा गांवों में पहुंचवाई और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी करवाई। इनके इस नए काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।